अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई चिकन 65। चिकन 65 में मलाई ऐड करके और भी थोड़ा डिफरेंट आयशा के स्टाइल में आप लोग देखिएगा। इसके लिए बोनलेस चिकन लीजिए आप लोग, इस तरह से 1 या 1.5 इंचेस या 2 इंचेस के पीसेस अपने अकॉर्डिंग। उसके लिए चाहिए बेसिक स्पाइसेस, हल्दी, मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लिल फूड कलर एंड ये थोड़ा सा देखिए, ये जो सिल्वर मसाले मिनहारी में पोटली में आता है वो है, देखिए काली मिर्च और गरम मसाला है। एक एग होना है अपने को, अदरक लहसुन 1 लेमन एंड 1 स्पून कॉर्नफ्लोर एंड 1 स्पून मैदा। तो अब फर्स्ट हम लोग इसमें लेमन ऐड करेंगे अपने, इसमें लेमन ऐड करके मैं आगे का बताऊंगा आपको। ये देखिए अपन अभी लेमन डाल दिए इसमें, लेमन डाल के बाकी के सब स्पाइसेस डाल देंगे अपन, स्पाइसेस एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक अंडा जो ब्रेक करके आप डालिए। एक एग और देखिए ये कॉर्नफ्लोर और मैदा अपने हिसाब से, एक एक स्पून भी डाल सकते हैं आप लोग, थोड़ा डाल के देखिए बस, बिल्कुल एक हल्की सी कोर लेयर चाहिए अपने को। तो कॉर्नफ्लोर एंड मैदा एक एक स्पून डाल के अच्छे से मिक्स करिए। फूड कलर ऑप्शनल है, अंडे से स्मेल तो नहीं आती आप लोगों को। चिकन को अच्छे से मिक्स करिए इस तरह से आप लोग, मिक्स करके मैं आगे का बताऊंगा। ये देखिए अब हम इसमें थोड़ी मलाई डाल के अच्छे से मिक्स करके आपको बताऊंगा मैं। आप चाहे तो इस स्टेज पे हरा मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हरा मसाला मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, बाद में जब भी फ्राई करना है थोड़ी देर पहले डालता हूँ मैं। आप देखिए आप मैरिनेट करके अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके आपको इसे 1/2 घंटा 15 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। देखिएगा अपना चिकन 1 आवर के बाद मैरिनेट होके परफेक्ट हो गया, इतना अच्छा बना, से भी ज़्यादा रख दिया अपन ये। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप, डिपेंड्स ऑन यू। अभी हम इसका देखिए ड्राई भी बनाएंगे, वेट भी बनाएंगे एक ही डिश से। वेट के लिए हमें चाहिए ये देखिए, यहाँ पर आपको ग्रीन चिली स्लाइस, स्लिट नहीं करी मैं, छोटे बच्चे रहते हो आप लोग ऐसा करिए, स्लिट मत करिए। करिया पाक, थोड़ा सा हरा मसाला, यहाँ पर गार्लिक और ऑनियन चॉप, मलाई है होममेड, ये काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट है, ये आप जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है सब ले सकते। थोड़ा सा दही और ये क्रीम सॉसेस मैं बताऊँगा आपको। अभी हम लोग एक एक पीस तेल में डाल के इस तरह से फ्राई करेंगे अच्छे से। लाइट अपने को लाइट कलर हो गया तो बस, क्योंकि ये थोड़ा अपन ड्राई के लिए अच्छे से फ्राई करिए। अगर वेट में डाल रहे तो आप थोड़ा सा नॉर्मल फ्राई करिए, क्योंकि वेट में और ज़्यादा कुक हो जाता, पूरा मैसी हो जाता। देखिए इस तरह से आप फ्राई करके साइड में निकाल लीजिए, आगे का मैं बताऊँगा पूरे फ्राई करेगा। देखिए अपना ड्राई चिकन 65 रेडी है, कलर भी बिल्कुल थोड़ा माशाल्लाह बहुत टेस्टी, क्रंची और सॉफ्ट है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, सेम मैरिनेशन है बट आप सेम मैरिनेशन बना के एक ओवरनाइट रख के फिर आप उसको हाफ ऐसा यूज़ करिए, आप हाफ ड्राई बनाइए, ड्राई वेट बनाइए दोनों भी एक के साथ दोनों रेसिपीज। देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी है देखने में भी और खाने में भी। प्लीज़ मेरे वीडियोस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अपन वेट चिकन 65 के साथ, मलाई चिकन 65 के साथ। मलाई डालिए और क्रीम डालिए, बहुत यम्मी और टेस्टी बनता है चिकन 65 में। अल्लाह हाफिज़।